स्वागत है दोस्तों, मैं हूं आदित्य। आप देख रहे हैं टेक्स एसएच ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे उद्योग आधार के बारे में। जी हां दोस्तों, डिजिटल सेवा पोर्टल पर हाल ही में एक न्यू सर्विस अराइव हुई है जिसका नाम है उद्यम रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो उद्यम रजिस्ट्रेशन या फिर चाहे आप बोल सकते हो उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो बेसिकली दोस्तों ये जो उद्योग आधार में हमें रजिस्ट्रेशन करना है, और रजिस्ट्रेशन दोस्तों उन्हें करना है या उनका करना चाहिए जिनका एक छोटा बिजनेस हो या बड़ा भी बिजनेस हो। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों किसी भी तरह का आप एक बिजनेस कर रहे हैं या फिर करने की सोच रहे हो, इसके लिए आप उद्योग आधार में अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम आपको यही बताने वाले हैं कि आप डिजिटल सेवा पोर्टल के माध्यम से किस तरह से अपना या फिर अपने कस्टमर का उद्योग आधार पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इससे CCVLE को कितना बेनिफिट होगा, कितना कमीशन मिलेगा, क्या कुछ इसकी प्रोसेस है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कंप्लीट जानकारी आज की इस वीडियो में दोस्तों हम आपको देने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड बेल आइकन रिंग को ऑल पर सेट कर सकते हैं, जिससे कि हमारा अपलोड करने का वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जानकारी के लिए मैं आपको बता दूँ कि उद्योग आधार, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों MSME यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड जो मीडियम एंटरप्राइज होता है ना, तो मिनिस्ट्री के द्वारा ये जो एक नंबर है MSME नंबर, उसे दोस्तों प्रोवाइड किया जाता है। ये नंबर बेसिकली 12 डिजिट का होता है। ठीक है, ये कोड के रूप में रहता है और इसे ऐसे लोगों के लिए दोस्तों बनाया गया है जो बिजनेस करते हैं या फिर बिजनेस करने में रुचि रखते हैं। ऐसे में अगर आप नहीं जानते हैं, आपको मैं बता देता हूँ, और कि कोई भी छोटा या बड़ा बिजनेस जो कि लीगल तौर पर चलने के लिए हमें पहले उस पर बिजनेस का रजिस्ट्रेशन करना होता है और गवर्नमेंट को अपने बिजनेस के बारे में बताना भी होता है। ऐसे में अगर कोई स्मॉल या मीडियम बिजनेस है तो उसे उद्योग आधार के माध्यम से हम गवर्नमेंट को अपने बिजनेस के बारे में बता सकते हैं। तो आधार शब्द आने से दोस्तों आप समझ ही गएंगे कि यहाँ पर दोस्तों यह सिस्टम अभी नया है, और पहले इसके जगह बिजनेस ओनर को MSME इंटरप्रेन्योर मेमोरेंडम के द्वारा स्मॉल और मीडियम बिजनेस के तहत रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरा करना होता था, और जिसमें जो है पैसों के साथ साथ समय भी काफ़ी नष्ट हो जाता था। लेकिन अभी उद्योग आधार अपडेट आ गया है, इसके कारण क्या हो गया दोस्तों, आप अपने घर बैठे ऑनलाइन तरीके से MSME यानी बिजनेस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, इसको आप इजीली अपने इस तरह से कंप्लीट कर सकते हैं। आपको कहीं भी फिजिकल डॉक्यूमेंट वगैरह सबमिट करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, घर अपने बैठे ही अपना जो रजिस्ट्रेशन है बिजनेस का, वो आप उद्योग आधार के माध्यम से, पोर्टल के माध्यम से और अपने आधार पैन कार्ड के माध्यम से इजीली कर सकते हैं। अब दोस्तों जानकारी के लिए मैं आगे और भी बता देता हूँ कि उद्योग आधार हमें क्यों बनवाना चाहिए। ठीक है, तो आखिर हम दोस्तों उद्योग आधार हमें इसलिए बनवाना चाहिए कि जो भी व्यवसाय में अपन अगर रुचि रखते हैं, या कोई अगर कोई कस्टमर आपकी शॉप पे आता है और उन्हें उद्योग आधार में रजिस्ट्रेशन करना है, तो वो एक रुचि रखता है अपने कोई भी बिजनेस खोलने में, या फिर वो अगर बिजनेस कर रहा है तो। ठीक है, तो सरकार द्वारा दोस्तों व्यवसाय के लिए बनी ये योजना है, और आप अक्सर देखते होंगे कि सरकार बिजनेसमैन के लिए छोटे मोटे जो भी व्यापार के नए नए अवसर्स और लोन स्कीम्स वगैरह लाती रहती हैं, उसमें दोस्तों ये मैंडेटरी हो जाता है कि आपके पास में उद्योग आधार का सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ठीक है, और इसके और भी काफ़ी सारे फायदे हैं दोस्तों, जो कि घूस वगैरह जहाँ भी हम फिजिकली या कहीं भी जाते हैं अगर रजिस्ट्रेशन वगैरह प्रोसेस में, तो इस तरह की कई सारी जो भी फर्जीवाड़ा वगैरह होता है वो भी सब बंद हो चुका है। तो आप डायरेक्टली अपना प्रोसेस इस तरह से कंप्लीट कर सकते हैं, तो लोन वगैरह इसमें भी काफ़ी सहायता मिलती है, और अगर आप कोई अपना नया बिजनेस स्टेब्लिश करना चाहते हैं तो उसके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल ये रहता है। सबसे पहले हमें दोस्तों डिजिटल सेवा पोर्टल को लॉगिन कर लेना है। लॉगिन कर लेने के बाद में आपके पास में इस तरह से इंटरफेस आ सकता है, और यहाँ पर आप देखेंगे तो हमें न्यू अराइव्ड में एक सर्विस देखने को मिलती है उद्यम रजिस्ट्रेशन। आप इस पर भी क्लिक कर सकते हैं, या अगर आपके पास में ये सर्विस इस तरह से अराइव नहीं हो पा रही है तो आप यहाँ पर सिंपली सर्च कर लेंगे उद्यम आधार। ठीक है, UDYAM। ठीक है, आप इस तरह से आप लिखेंगे, इसके बाद में आपके पास में एक न्यू लिंक शो होगी, इस लिंक पर आपको क्लिक कर लेना होता है। अब आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा जहां पर लिखा होगा फॉर उद्यम रजिस्ट्रेशन प्लीज लॉग इन विद डिजिटल सेवा कनेक्ट क्लिक ऑन बिलो बटन। ठीक है, तो लॉग इन विद डिजिटल सेवा कनेक्ट पर आपको क्लिक कर लेना है, जो कि ब्लू कलर में हमें बटन देखने को मिलती है। यहाँ पर आपका CSC ID इंटर करना है, तो ID और पासवर्ड डाल करके दोस्तों आपको यहाँ पर इसे लॉग इन कर लेना है। दोस्तों हो सकता है आपके पास में ID एंड पासवर्ड डालने का ऑप्शन आए या ना अभी आए। ठीक है, तो आपको उस पर अगर यस और नो का ऑप्शन आता है तो आपको यस कर देना है, तो आप इस तरह से सक्सेसफुली कनेक्ट हो जाओगे। वेलकम, एंड आपके यहाँ पे CSC ID आ जाएगा। इसका मतलब अब ये समझिएगा कि आपका डिजिटल सेवा पोर्टल से कनेक्ट सक्सेसफुली हो चुका है।
अब यहाँ पर दोस्तों करना ये होता है कि आधार वेरिफिकेशन हमें करना होता है विद ओटीपी। तो हमें यहाँ पर सबसे पहले जो भी आपका कस्टमर है या फिर वीली अगर स्वयं है, तो चलिए हम अभी एक किसी कस्टमर का हम यहाँ पर आधार नंबर फिलअप कर देते हैं। इसके माध्यम से हम आपको बता देते हैं, वीली का भी हम बता देंगे कि वीली को यहाँ पर क्या ऑप्शन अंदर सिलेक्ट करना होता है। NIC कोड का भी अंदर ऑप्शन है, तो वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड रहता है, हर एक वीली इसको कन्फ्यूजन में रहता है, वो चाहे कस्टमर का फिलअप कर रहे हो आप या फिर वीली स्वयं का। ठीक है, तो अलग अलग जो भी बिजनेस है उसके हिसाब से NIC कोड जो है सिलेक्ट होते हैं। तो हम अभी आपको आगे इसके बारे में डिटेल देने वाले हैं। आप वीडियो को सबसे पहले अभी फिलहाल लाइक कर दीजिए एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए एंड इस वीडियो को दोस्तों उन वेली तक भी जरूर शेयर कर दीजिएगा जो कि अभी अभी नए हैं या फिर अभी अपना रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं या फिर अपने कस्टमर का करना चाहेंगे। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल हम अपने कस्टमर का यहाँ पर जो है आधार नंबर फिलअप कर देते हैं। तो हम प्रैक्टिकली आपको बताने वाले हैं, इसके लिए आप लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिए। तो हमें यहाँ पर नेम फिलअप करना होता है, यहाँ पर नेम ऑफ एंटरप्रेन्योर, यहाँ पे जो भी ओनर है ठीक है उनका हमें यहाँ पे नेम दे देना है। इसके बाद में दोस्तों आपको वैलिड एंड जनरेट ओटीपी पर क्लिक कर देना है एंड इसके बाद में आपके पास में इस तरह से फील्ड ओपन हो जाएगी जहाँ पर आपको ओटीपी दर्ज करना है और ओटीपी दर्ज करने के बाद में आपको वैलिडेट पर क्लिक करना होता है। तो यहाँ पर दोस्तों इस कंडीशन में आपके आधार कार्ड से आपका मोबाइल नंबर लिंक होना बहुत ही कंपलसरी है, मैंडेटरी है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर दोस्तों ओटीपी सेंड कर चुके हैं, अब हम यहाँ पर अपना ओटीपी को फिलअप कर देते हैं। ओटीपी दोस्तों वैलिडेट हो जाने के बाद में आपका पैन वेरिफिकेशन होता है, यानी कि दोस्तों परमानेंट अकाउंट नंबर, पैन कार्ड आपके पास में होना बहुत ही अनिवार्य है, आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना बहुत ही अनिवार्य है, सेकंड में आपके पास में एक पैन कार्ड होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तब जा कर के आप इस पूरी प्रोसेस को फॉलो कर पाएंगे। तो यहाँ पर हमें दोस्तों पैन वेरिफिकेशन करना है और हमारे पास में पैन कार्ड है, और इससे पहले हमें यहाँ पर दोस्तों एक टाइप सिलेक्ट करना होता है, यानी कि संगठन के प्रकार। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास में कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर हमारे पास में फर्स्ट ऑप्शन है प्रोप्राइटरी, यानी कि एकल स्वामित्व। ठीक है, यानी कि एक वेली है या फिर कोई एक आपके पास में बिजनेसमैन बंदा है जो कि उसका खुद का है, कोई पार्टनरशिप में वो काम नहीं कर रहा, उसका खुद का स्वयं का है। ठीक है, इसी तरह वेली है, अगर CC वेली है, आप स्वयं ही ऑन करते हैं सब कुछ, तो यहाँ पर प्रोप्राइटरी आएगा। ठीक है, तो एकल स्वामित्व आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में यहाँ पर और भी कई सारे ऑप्शन है, अगर हिंदू इंडिविडेड फैमिली, ठीक है, हिंदू अविभाजित परिवार से हैं तो वो यहाँ पर कर लेंगे। इसके बाद में पार्टनरशिप में कोई काम कर रहे हैं, जैसे एक ऑनर फिर दूसरा ऑनर, दोनों के मिलजुल करके एक बिजनेस ऑन हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर इस तो यहाँ पर पार्टनरशिप आ जाएगा। इसके अंदर कोऑपरेटिव सहकारी जो आ जाते हैं, इसके प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का अगर करना चाहते हैं, पब्लिक लिमिटेड कंपनी का करना चाहते हैं, स्वयं सहायता समूह है, ठीक है, इसका सोसाइटी है, ट्रस्ट है, अन्य है, तो यहाँ पर कई सारे ऑप्शन हमें देखने को मिलते हैं। बेसिकली आपको एकल स्वामित्व और पार्टनरशिप वाले अधिकतर देखने को मिल जाएंगे, या फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वगैरह इस तरह भी आता है, तो आपको फिर इन सभी ऑप्शन अपने हिसाब से आपको सिलेक्ट करना होता है। ठीक है, तो इनमें से हमें कोई एक सिलेक्ट करना होता है, तो प्रॉपर्टी एकल स्वामित्व में हमें जो है क्लिक कर देना है एंड इसके बाद में जिसका भी आप कर रहे हैं उसका यहाँ पर पैन नंबर हमें यहाँ पर अंकित करना है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा लोड लेगा, इसके बाद में यहाँ पर इस तरह से फील्ड हमारे सामने ओपन होती है जहाँ पर हमें पैन कार्ड नंबर दर्ज करना होता है। ठीक है, तो चलिए मैं पर पैन नंबर दर्ज कर देते हैं। इसके बाद में आपको पैन वैलिडेट पर क्लिक कर देना होता है और इसके बाद में लोड होगा, और लोडिंग होने के बाद में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि योर पैन हैज़ बीन सक्सेसफुली वेरीफाइड। वेरीफाइड हो जाने के बाद में आपके पास में पूरा की पूरा जो फॉर्म है वो खुल जाता है। अभी हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अब हमारे पास में दोस्तों दो ऑप्शन हमें देखने को मिलते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या आपने पिछले वर्ष PY I 2019-20 ITR के लिए ITR दाखिल किया है। अगर आप करते हैं दोस्तों ITR फाइल तो आप हाँ कर देंगे, अदरवाइज आप नो कर देंगे। एंड इसके बाद में यहाँ पर दोस्तों क्या आपके पास में GST IN नंबर है, ठीक है, GST रजिस्ट्रेशन आपका है तो आपको एक GST नंबर भी मिलता है जब आप एक शॉप या बिजनेस का रजिस्ट्रेशन वगैरह करते हैं, ठीक है, या फिर आपने GST नंबर आपने ले रखा है तो अब आप यहाँ पे हाँ करेंगे। अगर आपके GST नंबर नहीं है तब आप यहाँ पे नहीं पर क्लिक कर देंगे एंड यहाँ पर आपको दोस्तों ऑप्शन मिल जाता है उद्यम पंजीकरण। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों हमने इस फॉर्म को हिंदी में कर दिया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, बाकी हम यहाँ पर दोबारा से इंग्लिश में कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों उद्यम रजिस्ट्रेशन, तो यहाँ पर नाम आ जाता है जो भी एंटरप्रेन्योर होता है, एज पर आधार के अनुसार यहाँ पर नेम ले लिया जाता है। अब यहाँ पर दोस्तों उनका मोबाइल नंबर यहाँ पर डालना होगा जो भी आपके पास में रजिस्ट्रेशन करवाने आते हैं, जो भी उद्यमी है, और या फिर आप CSE वाले आप स्वयं हैं तो आप अपने यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर दे देना है।
ठीक है, तो यहाँ पर हम ना मोबाइल नंबर दे देंगे, इसके बाद में यहाँ पर एक ईमेल आईडी भी होना ज़रूरी है, तो आपके पास में ईमेल आईडी है वो आप दर्ज कर दें। इसके बाद में अगर कोई कस्टमर है तो आपको उसका ईमेल आईडी बना देना है, अगर नहीं है इसके बाद में आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। ठीक है, एंड इसके बाद में हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कुछ इस तरह से, हमें यहाँ पर कैटेगराइजेशन देखने को मिलती है ऑफ ऑनरशिप ऑफ द MSME ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज शेयर एंड मेंबर्स एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ अमाउंट। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हिंदू इंडिविजुअल फैमिली HUF एज पर द कैटेगरी पार्टनरशिप, तो ये कोई भी हमें इसमें कोई ध्यान नहीं देना है, हमें अब आगे बढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों सोशल कैटेगरी, ठीक है, अब जो भी रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं या आप स्वयं व्हील हैं, अब हम यहाँ पर जो है आपको अपनी या कस्टमर की कैटेगरी को सिलेक्ट करना होता है। तो यहाँ पर जनरल में आते हैं तो यहाँ पर फर्स्ट रेडियो बटन सिलेक्ट होगा, अगर SC में आते हैं तो सेकेंड में होगा, ठीक है, या फिर इसके बाद में ST में होंगे तो यहाँ पर थर्ड में सिलेक्ट करना है, इसके बाद में फोर्थ में अगर OBC में है तो फोर्थ रेडियो बटन को सिलेक्ट करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों हमें इस पर टिक कर दिया है हमने, हमारा जो कस्टमर वो ST कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं। इसके बाद में आपको जेंडर देना है, मेल है फीमेल है। ठीक है, मेल है तो फर्स्ट रेडियो बटन सिलेक्ट करना है, फीमेल है तो सेकेंड, एंड अदर है तो थर्ड में। ठीक है, इसके बाद में हमें यहाँ पे स्पेशली देना है जो कि एबिलिटी दिव्यांग अगर है, कुछ अपंग है तो ठीक है, तो उस हिसाब से आपको यस नो करना है, दिव्यांग है तो यस करेंगे, अदरवाइज नो कर देंगे। इसके बाद में यहाँ पे डेटा इन फील्ड 11 विल बी आउट ऑफ फील्ड एज रिसीव ड्यूरिंग पैन वेरिफिकेशन बट इट इज एडिटेबल। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों नेम ऑफ द एंटरप्राइज, ठीक है, यहाँ पर जो भी आपकी कंपनी है या फिर जो भी शॉप है आपकी उसका नेम देना है। ठीक है, तो सपोज मानो हम यहाँ पर दे देते हैं NANDANI, इसके बाद में एंटरप्राइज हम दे सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, जो भी आपका कंपनी का नेम है शॉप का नेम है वो आप यहाँ पे दे सकते हैं इस तरह से, चलिए हम यहाँ पे दे देंगे। इसके बाद में यहाँ पर प्लांट एंड यूनिट का नेम, ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों XYZ प्राइवेट लिमिटेड जो भी कंपनी हो आपको यहाँ पर अपना नेम देना है। ठीक है, सपोज मानो हमने हमारी शॉप का नेम ये है, ठीक है, अगर जो भी कस्टमर आपको जो भी नेम बताता है वो आप उस तरह से देंगे, इसके बाद में एड यूनिट पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, इसके बाद में आपके पास में और अदर भी बिजनेस चल रहा है, कोई दूसरा भी आप चला रहे हो, ठीक है, तो आप यहाँ पे दोबारा से यहाँ पर नाम दर्ज कर देंगे, ऐड मोर पर क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पर एक फील्ड और ओपन हो जाएगा जिस तरह से अभी हमें यहाँ पर फर्स्ट फील्ड शो कर रहा है। ओके, इसके बाद में हमें यहाँ पर लोकेशन देना है और प्लांट्स, जहाँ पर भी आपका ये जो एंटरप्राइज चल रहा है वहाँ का आपको लोकेशन दे देना है कम्प्लीटली, जैसे कि फ्लैट नंबर डोर और जो भी बिल्डिंग है, विलेज का नेम है, ब्लॉक है, इसके बाद में स्ट्रीट लैंड रोड, इसका सिटी आपको दे देना है, सिटी आपका डिस्ट्रिक्ट दे सकते हैं, तहसील वगैरह ब्लॉक तहसील देना चाहे दे सकते हैं, पिन कोड आप दे देंगे, स्टेट आप सिलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपका उस स्टेट के अंडर में डिस्ट्रिक्ट पड़ता है वो डिस्ट्रिक्ट आपको दे देना है। इसके बाद में आपको एड प्लांट पर क्लिक कर देना है। ठीक है, कंप्लीट लेटर देने के बाद में आपको एड प्लांट पर क्लिक करना जरूरी है। इसके बाद में आपका जो भी ऑफिस कार्यालय है, अगर ऑफिस और जो भी आप अभी फिलहाल ये जो यहाँ पर प्लांट है वहाँ का एड्रेस सेम है तो आपको दोबारा से उसी को सेम फिलअप कर देना है। ठीक है, एंड इसके बाद में हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है पिछले EM UAM संख्या यदि कोई है। ठीक है, अगर आपके पास में कोई पिछला रजिस्ट्रेशन वगैरह है जो कि ऑफलाइन वगैरह होता है पहले था, ठीक है तो वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करके दे देना है, जैसे प्रीवियस UAM है पिछला अगर है तो आपको यहाँ पर टिक करके आपको उसका UAM नंबर दे देना है। ठीक है, हमारे पास में नहीं है, हम NA पर क्लिक कर देंगे, एंड स्टेटस ऑफ एंटरप्राइज। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों सबसे बड़ी बात आ जाती है, यहाँ पर जैसे यहाँ पर बता रहा है कि हमें जो एंटरप्राइज हमारा चल रहा था, ठीक है, ये भी चलने वाला है, उस हिसाब से हमें यहाँ पर रेडियो बटन को सिलेक्ट करना होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन रजिस्ट्रेशन, ठीक है, तो आपने आपका जो शॉप का रजिस्ट्रेशन या फिर जब भी आपने GST नंबर लिया है उसका डेट यहाँ पर देना होगा। ठीक है, या फिर जब भी आपका CSC सेंटर जब से आपने रजिस्ट्रेशन किया था वहाँ जब का डेट आपको दे देना है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वेदर प्रोडक्शन बिजनेस कॉमन कॉमर्स डेट। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर लेते हैं, आपको भी इजीली समझ जा सकेंगे हम इसके तौर पर। तो अब यहाँ पर देखें पंजीकरण की तिथि तो हमने आपको बता ही दिया है, इसके अंत में क्या उत्पाद व्यवसाय शुरू हुआ है, जैसे कई बार होता है ना आपके पास में कस्टमर आएगा कि हमें शॉप खोलनी है। ठीक है, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो रुचि रखते हैं या फिर जो जिनका बिजनेस है, ठीक है, तो रुचि रखने वाले ने अभी तक तो ओपन किया नहीं होगा। ठीक है, तो व्यवसाय शुरू हुआ है तो वो पूछ रहा है हुआ है क्या, अगर हुआ है तो आप हाँ कर देंगे, अदरवाइज वो करना चाहते हैं तो नहीं पर टिक कर देंगे। ठीक है, तब आपके पास में सिर्फ पंजीकरण की तिथि आएंगी। ठीक है, तो इसका यहाँ पर आपको डेट दे देना है, जैसे कि मान लो आज का है तो वो फिर आज ही रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, या फिर आज ही रजिस्ट्रेशन यहाँ पर उद्यम आधार में रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आज ही वो कंपनी वगैरह खोलना चाह रहे हैं तो फिर आज की डेट आप दे दें। ठीक है,
इस तरह से आपको यहाँ पर डेट दे देना है, ठीक है। और अगर वो यहाँ पर हाँ करते हैं, पहले से ही चले आ रहा है, तो फिर आपको पंजीकरण की तिथि देना है, जब भी उन्होंने जीएसटी नंबर लिया हुआ है, या नहीं भी लिया हो तो कोई भी डेट आप दे दीजिए अनुमानित, जो भी वो बताते हैं कि जब से हमारा चल रहा है, ठीक है। उसके बाद में प्रारंभ होने की तिथि, ठीक है, तो जब से चल रहा है उसके बाद में जब से स्टार्टिंग वगैरह हो गया, ये तो पंजीकरण की तिथि, फिर कब से चालू हुआ है उनका शॉप वो वगैरह देना। जैसे मान लो सीएससी का पहले अपना रजिस्ट्रेशन किया, रजिस्ट्रेशन के 1 महीने बाद में फिर हमारा काम चालू हुआ, आइडिया एक्टिवेट हुई, ठीक है, तो वो आइडिया एक्टिवेट की डेट आपको यहाँ पर दे देनी है। तो इस तरह से आप यहाँ पर डिटेल को फिलअप करना है। इसके बाद में आपका दोस्तों आ जाता है 16 नंबर पर बैंक डिटेल। तो बैंक डिटेल में आपको कुछ नहीं करना होता है, बहुत ही नॉर्मल सा है बैंक का विवरण। तो यहाँ पर सबसे पहले जैसे सपोज मानो बैंक ऑफ इंडिया है हमारे पास में, तो हम यहाँ पर बैंक ऑफ INDIA इंडिया दर्ज कर देंगे, एंड जो भी बैंक है, ठीक है, उस बैंक का IFSC कोड होता है, सभी बैंक का IFSC कोड होता है, उसे हमें यहाँ पर दर्ज कर देना है। इसके बाद में बैंक अकाउंट डिटेल है तो हमें यहाँ पर अपना अकाउंट नंबर दे देना है। इसके बाद में दोस्तों मेजर एक्टिविटी ऑफ यूनिट इकाई की प्रमुख गतिविधियाँ, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों सबसे बड़ा खेल यहीं पर है 17 नंबर पर, जो हमारे पास में ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो मैन्युफैक्चर निर्माण और सेवाएं, ठीक है। चलिए हम यहाँ पर दोस्तों इसे वापस से इंग्लिश में कर लेंगे, एंड यहाँ पर आप देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। तो दोस्तों देखिए अभी हम सर्विसेज वगैरह देते हैं, ठीक है, तो सपोज हम सर्विस देते हैं तो यहाँ पर सर्विसेज पे जाना है। और उससे पहले दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि यहाँ पर NIC कोड होता है, ठीक है, हर एक बिजनेस का अलग अलग NIC कोड होता है जो कि हमें बताना होता है। यहाँ पर आप देखेंगे थोड़ा ध्यान से, तो टू अवॉइड 3 स्टेप सिलेक्शन ऑफ NIC एक्टिविटीज, ठीक है। सपोज मानो हम चलिए ठीक है आटा चक्की देख लेते हैं, तो हम यहाँ पर देखिए FLOUR, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नीचे हमारे पास में कई सजेशन देखने को मिलते हैं, जहाँ पर हमें 10, 6, 11, ठीक है, तो फ्लोर मेल आ जाता है, ठीक है। आपको इंग्लिश में भी पता होना चाहिए कि जो भी बिजनेस वो कर रहे हैं उसका इंग्लिश में क्या मीनिंग निकलता है, ठीक है। कई बार हिंदी में वो बता देते हैं, तो यहाँ पर जो भी कोड है वो इंग्लिश में डिनाइड है, ठीक है। तो जैसे हम आटा चेक करते हैं तो फ्लोर मिल आएगा, तो यहाँ पर हमें इस तरह सेलेक्ट कर देना है। बाकी ये मैन्युफैक्चरिंग के अंडर में आते हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग को सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। इसके बाद में आपको यहाँ पर सर्च करना है FLOUR, और यहाँ पर हम सपोज हाँ ये अलग कर लेते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग में बाय डिफॉल्ट इसने ले लिया है ये वाला, और यहाँ पर ये सारा सिलेक्ट हो चुका है NIC 2 डिजिट कोड, एंड इसके बाद में 4 डिजिट कोड आ गया है, इसके बाद में 5 डिजिट कोड। तो इस तरह से दोस्तों इसके अंडर में ये आते हैं, इसके अंडर में फिर ये वाला आएगा, ठीक है। तो इसका पूरा दोस्तों लिस्ट होता है, इसके बाद में आपको एड एक्टिविटी भी कर देना होता है। ये लिस्ट हमें दोस्तों किस तरह से देखना होता है वो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूँ, क्योंकि जब भी आप कोई भी कस्टमर का करेंगे तब वो आपको काफ़ी हेल्पफुल होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम उद्योग आधार लिख देते हैं। उद्योग आधार की दोस्तों एक ऑफिशियल वेबसाइट है, जो कि लिंक हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अगर आपके पास में डिजिटल सेवा पोर्टल से यहाँ पर आप रिडायरेक्ट नहीं हो पा रहे हो, तो ये डिजिटल सेवा पोर्टल कनेक्ट का भी हम आपको डायरेक्ट लिंक दे देंगे, ताकि आप जो है डिजिटल सेवा पोर्टल का ये जो हमारा लॉगिन वगैरह ऑप्शन आया था वहाँ पर भी आप डायरेक्टली पहुँच सकोगे। तो फिलहाल ये जो हम अभी आपको बता रहे हैं जहाँ से आपका NIC कोड निकलेगा, तो यहाँ पर उद्योग आधार का ऑफिशियल वेबसाइट है। उद्योग आधार की वेबसाइट से भी आप दोस्तों फ्री में रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, लेकिन दोस्तों आपको CSC एक सर्विस प्रोवाइड करा रहा है, जहाँ पर एक ऑथोराइज्ड पर्सन के द्वारा आप, यानी कि एक ऑथोराइज्ड पर्सन आप हो एक तरह से, और आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो जाना माना उसे माना जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप कर सकते हो, जो कि udyamregistration.gov.in ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से फ्री में भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमें देखने को मिलता है, जब हम होम पर चले जाते हैं तो NIC कोड हमें एक देखने को मिलता है। इस NIC कोड पर हम क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास में एक PDF शो कर देता है, और थोड़ा सा यहाँ पर लोड लेगा, और लोडिंग हो जाने के बाद में आपको पूरी डिटेल्स देखने को मिल जाती है, जहाँ पर हमें देखने को मिलता है फर्स्ट पेज नेशनल इंडस्ट्रियल, ठीक है, क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा नीचे करेंगे, ये 2008 के तहत यहाँ पर बताया गया है, ओके। तो यहाँ पर हमें दोस्तों सबसे नीचे मिडिल में चले जाना है, हम यहाँ पे थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन करेंगे। देखिए इस तरह से यहाँ पे सारे कोड्स वगैरह आ गए। अब हमें यहाँ पर दोस्तों काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है फाइंड करना, ठीक है। तो हमें यहाँ पे Ctrl+F प्रेस कर देना है, तो आपके पास में छोटा सा सर्च बार ओपन हो जाता है। अब हमें यहाँ पर सपोज मानो आटा चक्की को हमें ढूंढना है, तो FLOUR, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 10-30 के अंडर में फिर आता है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा और एंटर हम करते हैं, और एंटरिंग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाता है हमारे पास में फ्लोर एंड मिल, एंड इसके बाद में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 10611 पे हमें फ्लोर मिलिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाता है।
ठीक है, तो यहाँ पर आप डायरेक्टली भी सर्च कर सकते हैं। अब सपोज मानो हम यहाँ पर साइबर कैफे ही सर्च कर लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अदर इन्फॉर्मेशन सर्विस एक्टिविटीज़, तो यहाँ पर एक्टिविटीज़ ऑफ साइबर कैफे, ठीक है, तो यहाँ पर 263992, ठीक है, 63992 एक्टिविटीज़ ऑफ साइबर कैफे, तो यहाँ पर हमें एक ही ऑप्शन देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम अगर देखें तो यहाँ पर ये सर्विस के ऑप्शन में आ सकता है। चलिए हम एक बार ट्राई लेते हैं कि एक अगर CSE वैली को यहाँ पर अगर बताना है, अपना रजिस्ट्रेशन करना है, तो वो यहाँ पर किस तरह से कर सकेंगे। तो यहाँ पर हम चलिए साइबर कैफ़े ही लिख देते हैं, CYBER, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक्टिविटीज़ ऑफ साइबर कैफ़े आ जाता है, तो इस तरह से आप यहाँ पर इसको दर्ज कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों ये सर्विसेज में आएगा जहाँ तक मुझे नॉलेज है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बेनिफिशियर, यहाँ देखिए यहाँ पर ये नहीं आया है ना, अभी हमें यहाँ पर देखिए सर्विसेज पर टिक करना है सबसे पहला, और इसके बाद में हमें यहाँ पर CYBER, ठीक है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो ऑप्शन है वो हमारे पास में ओपन हो जाता है, और यहाँ पर हमें इसे सिंपली क्लिक कर देना है, सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो सेकंड में हमारे पास में NIC2 में यहाँ पर 2 डिजिट का कोड आ चुका है, 4 डिजिट का कोड आ चुका है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्टिविटीज़ ऑफ साइबर कैफे से रिलेटेड एक्टिविटी हम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से आ जाता है। अब हमें यहाँ पर एड एक्टिविटी पर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो अब आपका पर दोस्तों आप देख सकते हैं इन्फॉर्मेशन सर्विसेज एक्टिविटी, अदर इन्फॉर्मेशन सर्विसेज एक्टिविटी एंड एक्टिविटीज़ ऑफ साइबर कैफे, इस तरह से हमें यहाँ पर एक्टिविटी टाइप है सर्विसेस है, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें इस तरह से आ सकता है, यहाँ पर ऐड कर दिए हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या बता रहा है, यहाँ पर 19 नंबर पे, ठीक है, 18 नंबर का दोस्तों कॉलम वही है, हमने यहाँ पर ऐड कर दिया है। आपको बार बार अगर कोई और दूसरा काम भी आप करते हैं तो दोबारा से आपको यहाँ पर सपोज मानो फ्लोर मिल का काम भी कर रहे हैं, तो यहाँ पर फ्लोर मिल पर क्लिक कर देंगे। मैन्युफैक्चरिंग के अंडर में आता है तो हमें सबसे पहले तो मैन्युफैक्चरिंग को ही सिलेक्ट कर लेना है, इसके बाद में हमें यहाँ पर सर्च कर लेना, सर्च के बाद में ऐड मोर एक्टिविटीज़ पर क्लिक कर देना। तो जिस तरह से अभी हमारे पास फर्स्ट सेक्शन ओपन हुआ है, इस तरह से आपके पास में सेकंड बिजनेस का भी फील्ड ऐड हो जाएगा। अब हम यहाँ पर दोस्तों 19 नंबर पर आते हैं, नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों बताया गया है कि मेल कितने हैं, अगर मान लो स्वयं ही है कोई वीएलई एक ही है, या फिर जो कस्टमर आया आपके पास में रजिस्ट्रेशन करवाना, वो एक ही चलाता है, वही सब मैनेज करता है, तो वो एक मेल कर देंगे। अगर कोई फीमेल भी उनके साथ काम करती है तो फिर एक कर देंगे, फीमेल नहीं करती है तो फिर 0-0 कर देंगे। अगर फीमेल ही करती है, मेल नहीं करता है, तो मेल की जगह पर 0-0 करेंगे, फीमेल की जगह पर 0-1 कर देंगे। जितनी महिला हो उतने कर सकते हैं हम, 5 कर सकते हैं, 10 कर सकते हैं, जितनी महिला है काम कर रही है, ठीक है। अभी हमारे पास में मेल एक है, ठीक है, 0-1 कर दिया हमने, फीमेल कोई नहीं है, 00 कर दिया है, और अदर में कोई नहीं है, 00 कर दिया है। तो हमारे पास में टोटल वैल्यू आई है एक, यानी कि जो भी पर्सन एम्प्लॉय है वो एक ही बंदा है, वो खुद ही चलाता है, ओके। एंड इसके बाद में दोस्तों सबसे मेन इम्पोर्टेंट ये वाला फील्ड है हमारे पास में, जो कि 20 नंबर पर है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर दोस्तों इसको समझते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो भी बिजनेस है और उस बिजनेस से आपको जो भी टर्नओवर प्राप्त हुआ है, जैसे अभी हमारा बेसिक किस चल रहा है, और यहाँ पर 19-20 के यहाँ पर आपसे डिटेल्स मांगा गया है टर्नओवर पिछले साल का, तो आपने अभी कितना कमाया है, जैसे सपोज मान लो हम यहाँ पे 25,000 कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर जो पूछ रहा है एक्सक्लूसिव ऑफ कॉस्ट ऑफ पॉल्यूशन कंट्रोल, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों जो भी प्रदूषण कंट्रोल पे आपने क्या कुछ सेफ्टी मेजर जो भी लगाए हैं, डिवाइसेस वगैरह लगाए हैं, उस पर आपने कितना खर्च किया है, तो यहाँ पर स्वयं के घोषणा पत्र पर आधारित है, ठीक है। सपोज यहाँ पर आपने कुछ भी नहीं किया तो 0 करें। इसके बाद में यहाँ पर आपका देख सकते हैं कि नेट इन्वेस्टमेंट ऑफ प्लांट है, तो आपने इतना मशीनरी और इक्विपमेंट में इतना आपने 25,000 रुपये का इन्वेस्ट कर चुके हैं। इसके बाद में यहाँ पर दोस्तों टर्न ओवर यहाँ पर बता रहा है 6,8,2020, ठीक है। तो टोटल टर्न ओवर 19-20 का आपका यहाँ पर इतना बता देना है, जिससे टोटल टर्न ओवर हमारा 19-20 का इतना हो गया है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर ये सब डिसेबल रहेंगे ये सारे फील्ड्स। इसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आर यू इंटरेस्टेड इन गेटिंग रजिस्टर्ड ऑफ गवर्नमेंट ई मार्केट जैम, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों गवर्नमेंट का एक अच्छा जैम पोर्टल है जहाँ पर आपको रजिस्टर्ड होना है, तो आप यस कर देंगे, अदरवाइज आप नो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट कई सारी ऐसी स्कीम्स लाती है दोस्तों, इसके अंडर में आप इंटरेस्ट रखते हैं तो जेम पोर्टल अच्छा है गवर्नमेंट का, इसके रिलेटेड हम पे आपको आगे बता देंगे वीडियो के माध्यम से नेक्स्ट वीडियो में। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर देना है, हमारे जो भी वीडियो अपलोड होगा नोटिफिकेशन आप तक आ ही जाएगा, ठीक है। इसके बाद में आप आर यू इंटरेस्टेड इन इज गेटिंग रजिस्टर्ड और ट्रेड्स, ठीक है। तो पोर्टल यहाँ पर भी एक, ये भी एक अच्छा पोर्टल है उद्यमियों के लिए, अगर आप इंटरेस्ट हो तो यहाँ पर यस कर सकते हैं, ठीक है।
तो इस तरह से दोस्तों आपको अपना डिटेल कम्प्लीटली फिलअप करके रख लेना है। और यहाँ पे 24 नंबर पे दोस्तों डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑफिस एड्रेस जब आप सिलेक्ट कर लेंगे, ऑफिस एड्रेस में भी दोस्तों अगर आपका ऑफिस और शॉप का एड्रेस सेम है तो आप सेम दर्ज कर दीजिए ऑफिस एड्रेस में भी, तब जाकर के आपको यहाँ पर आपका डिस्ट्रिक्ट का नेम आ जाएगा। इसके बाद में सबमिट एंड फाइनल गेट ओटीपी पर क्लिक कर देंगे और इसके बाद आपसे कंफर्मेशन के लिए पूछा जाएगा कि आप आर यू श्योर दैट यू हैव बीन एंटर्ड करेक्ट डाटा, जो भी आपने डिटेल्स फिलअप किया है वो सब सही है, प्लीज़ चेक कर लो मोबाइल नंबर वगैरह सब करेक्ट है, क्योंकि मोबाइल नंबर दोस्तों बहुत ही मैंडेटरी है। और मोबाइल नंबर में क्योंकि ओटीपी आएगा, अभी आप देख सकते हैं हमने ओटीपी के लिए अप्लाई कर दिया है, हमारा सारी जो डिटेल्स है वो सब करेक्ट है, ठीक है। तो आप कंफर्मेशन कर लेंगे, ओके प्रेस कर देने के बाद में आपके पास में इस तरह से ओटीपी आएगा, ओटीपी को आप दर्ज करें। इसके बाद में जो आपका कैप्चा आपको नीचे दिखाई दे रहा है, ठीक है, उस कैप्चा को आपको फिलअप करके फाइनल सबमिट आपको कर देना है। तो चलिए दोस्तों फिलहाल तो हम ओटीपी को फिलअप कर देते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमने ओटीपी को फिलअप कर दिए हैं, इसके बाद में हमारे पास में ये रिडायरेक्ट कर देता है पेमेंट गेटवे पर, ठीक है, जो कि सीएससी का पेमेंट गेटवे है। और जैसा कि दोस्तों मैं अभी देख पा रहा हूँ तो यहाँ पे सेल अमाउंट 1 रुपये बताया गया है और वॉलेट अमाउंट भी 1 रुपये का ही बोला गया है। तो यहाँ पर चलिए हम देखते हैं कि कितना अमाउंट हमारा कटता है और कितना हमें कमीशन देखने को मिलता है। तो हमने अब पासवर्ड फिलअप कर दिया है, वैलिडेट पर हमने क्लिक कर दिया है। इसके बाद में हमें वॉलेट पिन दर्ज करना है, ओके हमने वॉलेट पिन दर्ज किया है Pay 1 रुपी, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे देखते हैं तो पेमेंट सक्सेसफुली हो चुका है और यहाँ पर हमारे पास में आ चुका है दोस्तों उद्यम रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली सबमिटेड, ठीक है। तो ये यहाँ पर दोस्तों ये जो नंबर आपको दिखाया जा रहा है उद्यम फिर MP करके हैं, ठीक है, -MP। इसके बाद में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको 16- यहाँ पर जो भी उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर आपका आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों इसको आपको कंप्लीटली नोट डाउन कर लेना, ठीक है। इसके बाद में आपके पास में जो प्रिंट सर्टिफिकेट की जो पावती है, ठीक है, उसका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर आप इसको प्रिंट कर सकते हैं, जैसा कि आप अभी यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो हम यहाँ पर प्रिंट पर क्लिक कर देंगे तो आपके पास में ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया है, आपके पास में रेफरेंस नंबर आ गया है, ठीक है। ये आपके जो भी सर्टिफिकेट आप जब प्रिंट करोगे इसका उद्यम आधार रजिस्ट्रेशन का जो सर्टिफिकेट होता है, इस रेफरेंस नंबर के जरिए आप उस सर्टिफिकेट को प्रिंट कर पाएंगे। तो इसको आपको अच्छे से रख लेना है सेव करके। हमारे पास में दोस्तों इस तरह से ये इसकी प्रिंट आ जाती है, जहाँ पर हमारे पास में रेफरेंस नंबर देखने को मिल जाता है और यहाँ पर हम इसे एज अ PDF में सेव कर लेंगे। अगर आपके पास में प्रिंटर कनेक्टेड है तो अब आप इसे प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर UDYM नेम से इसको सेव कर लेते हैं। दोस्तों फाइनली सबमिट हो जाने के बाद में जब आपके पास UAN नंबर आ जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देखने को मिलेगा उद्यम रजिस्ट्रेशन .gov.in, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट है। तो यहाँ पर आपको आ जाने के बाद में जब आप प्रिंट /वेरीफाई वाला जो हमें लिंक देखता है, ठीक है, इसके ड्रॉप डाउन में हमें कई सारे लिंक्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आपको सेकेंड नंबर की लिंक मिलती है वेरीफाई उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर, आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। और क्लिक कर लेने के बाद में जो आपका रेफरेंस नंबर मिला है उद्यम करके, ठीक है, आपको यहाँ पर दर्ज करना है। इसके बाद में जो कैप्चा आपको दिखाया जा रहा है वो उसे आपको यहाँ पर दर्ज कर देना है। इसके बाद में आपको वेरीफाई पर क्लिक कर देना है, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों आपके पास में पूरा रजिस्ट्रेशन जो आपने किया है, ठीक है, उसकी थोड़ी डिटेल आपके पास में जाएगी, उसका प्रिंट भी आप कस्टमर को दे सकते हो, ठीक है, या फिर आपने जो फाइनल सबमिट के बाद में जो आपको रेफरेंस नंबर वाला प्रिंट मिला है वो भी आप दे सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में आपको दोस्तों थोड़े दिन वेट करना है, ठीक है। वेट कर लेने के बाद में जैसे कम से कम 2 से 3 दिन के अंदर, वैसे तो 5 दिन बोला जाता है, लेकिन 5 दिन के अंदर ही आपका सर्टिफिकेट जो जनरेट हो जाता है, जो कि आपको आपके ईमेल पर भी मेल करके बता दिया जाता है, या 2 से 3 दिन बाद आप चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप जिस तरह से प्रिंट वेरीफाई पर जाते हैं, वेरीफाई उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर पर जाते हैं, तो इस तरह से आपकी थोड़ी सी डिटेल आ जाती है। इसका प्रिंट भी आप यहाँ से प्रिंट बटन पर क्लिक करके कस्टमर को दे सकते हैं। और इसके बाद जब आपको सर्टिफिकेट प्रिंट करना है तो प्रिंट उद्यम सर्टिफिकेट पर क्लिक कर लेना है और यहाँ पर सर्टिफिकेट का जो नंबर है, जो कि -MP, वही रेफरेंस नंबर को आपको दर्ज करना है। और मोबाइल नंबर जो आपने फिलअप किया हुआ है सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन करते टाइम में, तो आपने मेल आईडी भी डाला है और मोबाइल नंबर भी डाला है। कई बार हो जाता है मोबाइल नंबर गुम हो जाता है, ईमेल आईडी चालू होती है, तो आप ईमेल आईडी में भी OTP लेकर के सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर मोबाइल नंबर पर भी OTP लेकर के सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सकते हैं। तो 3 से 4 दिन का प्रोसेस रहता है, इसके अंदर में आपका सर्टिफिकेट फाइनली जनरेट हो जाता है, जो कि आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट से प्रिंट कर सकते हैं।
कमीशन की दोस्तों अगर हम बात करें तो हमने यहाँ पर डिजिटल सेवा पोर्टल के जो ऑर्डर वाले सेक्शन में हमें यहाँ पर ड्रॉपडाउन मेन्यू में देखने को मिलता है ऑर्डर हिस्ट्री, वहाँ पर जाकर के हमने जब चेक किया है उद्यम रजिस्ट्रेशन वाले डिटेल्स को, जब हमने ट्रैक किया है डिटेल्स जब निकाली है, तो यहाँ पर हमें अर्निंग कमीशन में हमें 0-0 देखने को मिलता है, ना कोई टैक्स है ना कोई TDS कटता है, और यहाँ पर 1 रुपये का चार्ज हमारे वॉलेट से डिटेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा कोई मुझे डिफरेंट नहीं पता चला है, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट से भी हमने सर्टिफिकेट कहीं बनाए हैं, और आज जब मैंने CSE से जो कनेक्ट होकर के उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया है, जो हमने सर्टिफिकेट की प्रोसेस की है, कोई ज़्यादा मेजर डिफरेंट नहीं है, कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है, बस ये है कि डिजिटल सेवा पोर्टल पर 1 रुपये का चार्ज कट रहा है, जबकि बाहर से हम विदाउट एनी कोई चार्ज के हम वहाँ से भी सर्टिफिकेट को बना सकते हैं। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, और जिन वेरी तक ये वीडियो नहीं पहुंची उन्हें जाकर के शेयर कर दो। तो चलिए दोस्तों वीडियो को एंड करते हैं।